नमस्कार दोस्तों, बच्चे आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? फटाफट से बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में, ऑल गुड ऑल वेल। शुरू करें, माइंड फ्रेश हुआ थोड़ा बहुत? फर्क तो पड़ता है, ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा तो सही रहता है दिमाग के लिए कि हम लोग थोड़ा ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं टू दी कंटिन्यूड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, अब ये जो क्लास है इसमें हम लोग ये जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था लास्ट कुछ मिनट्स में, हमने लास्ट क्लास के उसको फिनिश ऑफ करते हैं। देखो, प्ली बार्गेनिंग का मुझे लग रहा है कि आप मोटे तौर पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में तो ज्यादा परेशानी आपको आएगी नहीं। जैसे मैंने आपको उसके बेनिफिट्स बताए, उसके साथ जो दिक्कत है, चैलेंज है कि वो कई बार ऐसे लोगों को जो सच में दोषी नहीं है उनको मोटिवेट करता है कि वो अपना दोष मान ले भले ही है नहीं, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और यूएस में भी ये परेशानी देखी गई है ओवर टाइम, खासकर ऐसे लोग जो या तो बिल्कुल गरीब तबके के हैं या ऐसे लोग जो बिल्कुल ऊपर के तबके के हैं जिनके पास टाइम नहीं है। सो इन बोथ ऑफ द सिनेरियोस ऐसे इंस्टांसेस देखे गए हैं कि जहां पे किसी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, देयर वाज नो चांस कि उसका कन्विक्शन हो पाता अगर नॉर्मल ट्रायल चलता, फिर भी उन्होंने प्ली ले ली। वो इल एडवाइस का भी रीजन हो सकता है, कई बार लॉयर्स भी बहुत गलत रोल प्ले कर जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजंस। और इंडिया में ये चीज अभी इस लेवल पे नो डाउट ज्यादा बड़ा चैलेंज पोज करती है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, ठीक है? तो ये कुछ परेशानियां भी हैं, बट एट द सेम टाइम देखो, कभी भी आप किसी भी ऐसी चीज से आपका सामना होना लीगल फील्ड में जहां पे आपको लगे कि कोई भी चीज है उसकी यूटिलिटी तो है बट एट द सेम टाइम उसके साथ परेशानियां भी हैं, तो उसको कभी भी उसके बारे में ऐसा आंसर मत लिखना या ऐसा ओपिनियन मत बनाना अपने दिमाग पे अंदर कि इस चीज को छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ कि 498A के बारे में जब वो डिस्कशन करते हैं, खासकर लड़के, वो ऐसे उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे वो बिल्कुल बेकार ही चीज है, दुनिया का सबसे बेकार कानून 498A ही होगा। कई बार मैंने देखा कि रेप के सेक्शन को भी जब वो समझते हैं, वॉयरिज्म को, या फिर ऐसे कुछ सेक्शन है जिनको क्रिटिसिज्म करने के वो इस लेवल पे चले जाते हैं, दैट दे इवन चैलेंज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ। ये बड़ा गलत है। आप जस्ट बिकॉज फॉर द रीजन कि कोई लॉ के साथ दिक्कत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अगर हम करने पे आ गए तो ये किताबें खत्म हो जाएंगी सारी, क्योंकि ऐसा एक भी प्रावधान नहीं बना आज तक इस पूरी दुनिया में, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना जो परफेक्ट हो। सबके साथ दिक्कत है, किसी के साथ कम है, किसके साथ ज्यादा है। दिक्कत असल में कानून के साथ नहीं है, दिक्कत है समाज के साथ। हमें यह देखना है कि उस समाज से आने वाली दिक्कतों को ठीक कैसे करना है। तो अगर आपको परेशानी निकालनी है तो कानून में मत निकालो, 498A में मत निकालो, या फिर प्ली बार्गेनिंग में मत निकालो, सोसाइटी में निकालो। और सोसाइटी का पार्ट आप भी हो कि आप उसको इस इंटेंशंस के साथ मिसयूज करते हो। सो दैट इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर। पर बच्चे लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, चलो वो उनका पर्सनल सब्जेक्ट मैटर है, प्ली पे आते हैं। अब ये प्ली बार्गेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल केसेस में एक समझौते जैसी परिस्थिति है जहां पर कोई व्यक्ति जो अपराधी जिस पे आरोप लगा है, और उन कैटेगरीज का जो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में, अगर उस पे आरोप लगा है तो वो अपने आरोप को स्वीकार कर सकता है, अपने अपराध को स्वीकार कर सकता है, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट उसको कुछ रियायत मिल सकती है, कुछ रिलीफ मिल सकती है। यही है समझौता, यही है प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 265A पढ़ाया, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं 265B। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, 265A में भी एप्लीकेशन लिखा है, 265B में भी एप्लीकेशन लिखा है। कई ऐसे भी बच्चे, इस लेवल के भी बेवकूफ होते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि वो टाइटल को ही लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, मतलब ये प्ली बार्गेनिंग की स्थिति कब आएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की बात की गई है, ठीक है? तो ऐसा भी बच्चे होता है, मैं कॉपियां चेक की है मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पर, आई सीन पीपल की बेवकूफी की भी लिमिट हो सकती है कि ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है? तो आप ऐसी गलती बच्चे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जो
जिसपे आरोप लगाए, ध्यान से देखना, और आरोप कौन से अपराध का, वही जो हमने पढ़ा 265A के अंदर, 7 साल या उससे कम वाली परिस्थिति, ठीक है, और वो उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ना गिर रही हो। तो कोई भी व्यक्ति जिसपे आरोप लगा है वो एप्लीकेशन फाइल करता है प्ली बार्गेनिंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अधिकार किसके पास है प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का, एक्यूज व्यक्ति के पास। इसमें कंप्लेनेंट का, विक्टिम का, प्रोसिक्यूटर का कोई लेना देना नहीं। इट इज अप टू द एक्यूज्ड ओनली, जो अपने हिसाब से फैसला लेगा। ऐसा कम से कम आइडियली हम सपोज करते हैं, रियलिटी में क्या होता है वी डोंट नो। और ये एप्लीकेशन जाती कहां है, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल चलना होता है। नॉर्मल जहां पे ट्रायल चलना होता है, जिसकी ज्यूरिडिक्शन में अपराध किया होता है, उसी में प्ली बार्गेनिंग की आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। ये जो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, इसमें कुछ बातें लिखनी होती हैं आपको। पहले तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के, जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं, वो बताने पड़ते हैं कि किस परिस्थितियों में उसके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। साथ के साथ आपको ये भी बताना होता है कि किस अपराध का आपके ऊपर आरोप लगा है, तभी तो कोर्ट जज कर पाएगा कि आप 265A को सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं। और साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट भी फाइल करना पड़ता है कि कल को आप अपनी बात से पीछे ना हटवाओ कि मैंने तो ऐसा किया नहीं। आपको एफिडेविट भी फाइल करना पड़ता है कि आपने खुद अपनी मन मर्जी से, खुद अपनी चॉइस से, ये समझते हुए कि प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है और इस कानून के अंदर क्या क्या हो सकता है, फिर ये एप्लीकेशन फाइल करी है, ठीक है। साथ ही साथ जैसा वो बच्चा पूछ रहा था लास्ट क्लास के अंदर, सर कुछ प्रीवियस कन्विक्शन का सिनेरियो होता है क्या, पर उसका क्वेश्चन था समरी ट्रायल के पर्सपेक्टिव में। प्रीवियस कन्विक्शन का बच्चे जो सिनेरियो है वो समरी ट्रायल में तो सीधे तौर पर नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है, पर प्ली बार्गेनिंग की परिस्थिति में वो डायरेक्टली आता है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए वो प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, अगर उस अपराध के अंदर वो पहले कन्विक्ट हो चुका है, तो ऐसे परिस्थिति में उसके सिनेरियो में प्ली बार्गेनिंग की सिचुएशन नहीं अराइज होगी। कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि पहले वाले केस में भी उसने प्ली बार्गेनिंग करी हो, नहीं नहीं नहीं, हमको बस इतना सा चाहिए कि पहले कभी इसी अपराध के लिए उसको सजा हो चुकी, मतलब कन्विक्शन हुआ है, केस चला था, एक्यूटल हो गया, नहीं, कन्विक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ, मतलब उसको अपराधी माना गया था। तो अगर उसी अपराध के बारे में दोबारा एलिगेशन लग रहा है, दोबारा एक्यूज्ड हो, तो उसके बारे में प्ली रेज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप फ्री हो प्ली रेज करने के लिए, अगर आपका केस सेक्शन 265A के अंदर गिर रहा है और आपको केस के बारे में ब्रीफ डिटेल्स, अपना ये एफिडेविट वगैरह, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करना होता है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पावर जो है वो हमारे एक्यूज व्यक्ति के पास होती है। एक बार ऐसी एप्लीकेशन जब कोर्ट के सामने फाइल कर दी जाती है, तो कोर्ट का सबसे पहला काम होता है कि वो इश्यू करता है, क्या इश्यू करता है, नोटिस को इश्यू करता है, और किस किस को करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, क्योंकि अपोजिट साइड तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, कंप्लेनेंट को, अगर कंप्लेनेंट है कोई मौजूद, जरूरी नहीं है कंप्लेनेंट हो हर केस में, अगर कंप्लेनेंट है तो मानो कंप्लेंट के बेस पे वो केस आया था, तो कंप्लेनेंट को, और साथ के साथ एक्यूज्ड को भी, तीनों लोगों को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को, और इन तीनों को नोटिस जारी करके बोलता है कि इन तीनों को एक ही दिन कोर्ट के सामने पेश होना है, मतलब एक ही दिन तीनों को बुलाता है। और जैसे ही इस नोटिस के बदले जब ये तीनों लोग एकत्रित होते हैं, तो वहां पर, अब सुनना बड़े बड़े ध्यान से, जहां वहां पर कोर्ट की यह जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट एक्यूज को एग्जामिन करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, एक्यूज का एग्जामिनेशन करता है कोर्ट। एग्जामिनेशन का मतलब उसे सवाल जवाब करता है, और ये जो एग्जामिनेशन होता है वो कैमरा की रिकॉर्डिंग के अंदर होता है हमेशा, और कभी भी इस एग्जामिनेशन के दौरान अपोजिट पार्टी, मतलब कंप्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूटर, वहां पे मौजूद नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन इन तीनों को बुलाया जाता है, उस दिन एक्यूज का एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले कैमरा के अंदर, और जहां पर उस जगह से हटा देते हैं प्रोसिक्यूटर साहब को और कंप्लेनेंट साहब को। और इस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है, वही जो मैंने बोला,
ये जानने के लिए कि एक्यूज व्यक्ति ने अपनी ये जो एप्लीकेशन फाइल करी है प्ली बार्गेनिंग के लिए, वो खुद अपनी मनमर्जी से करी है, उसपे कोई भी दबाव नहीं है। अगर उस पर दबाव है तो वो मजिस्ट्रेट साहब से बोल सकेगा, कोर्ट से बोल सकेगा। तो एप्लीकेशन में भी उसको पहले लिखना होता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, उसके बावजूद उसका एग्जामिनेशन होना भी जरूरी है, ये कोर्ट की बाध्यता है। अगर कोर्ट ऐसा नहीं करेगा तो पूरा जो प्रोसेस है विटिलेट हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। कल को अगर इस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो खत्म मामला, ठीक है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है इन सारे एक्सरसाइज को करने के बाद कि ये जो एप्लीकेशन फाइल करी है एक्यूज ने, उसने अपनी मन मर्जी से करी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो समय देता है, टाइम देता है। किसको देता है टाइम? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टाइम देता है, और अगर कंप्लेनेंट है तो उसको टाइम देता है, और एक्यूज को टाइम देता है। किस लिए दिया जा रहा है ये समय? कि वो आराम से मिलजुल कर बातचीत कर ले, एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे पहुंच जाए, मतलब एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको किस किस बारे में चर्चा करनी है, आपको ये भी चर्चा करनी होगी कि जो विक्टिम है जिसका नुकसान हुआ इस अपराध की वजह से, उसको कंपेंसेशन पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो कितना किया जाएगा, एक तो ये सब्जेक्ट मैटर होगा आपके डिस्कशन का। उसके अलावा क्या और भी कोई खर्चा देगा एक्यूज व्यक्ति इस प्ली बार्गेनिंग के बदले, तो ये समय देगा। और समय देने के बाद अगली डेट को फिक्स कर देगा। मतलब लगभग बच्चे वही प्रक्रिया है जो हम मीडिएशन में देखते हैं ना, सिविल केसेस में लगभग वही स्थिति है। पहले लेवल पे तो कोर्ट क्या कर रहा है, पहले लेवल पे तो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है ये पता लगाने की कि जो एप्लीकेशन है वो हमारे एक्यूज व्यक्ति ने वॉलंटरीली फाइल की हो, उस पर कोई दबाव ना हो। जैसे ही वो इस बारे में सेटिस्फाई हो जाता है, वो तीनों व्यक्तियों को, तीनों पार्टीज को टाइम दे देता है कि वो आपस में बैठ के बातचीत कर लें, क्या उनके बीच में कोई भी सेटलमेंट की, समझौते की स्थिति है या नहीं, और समझौते के अंदर वो कंपेंसेशन की या पैसे के लेन देन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहीं दूसरी तरफ एप्लीकेशन को देख के या एक्यूज का एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारे एक्यूज व्यक्ति ने इस एप्लीकेशन को वॉलंटरीली फाइल नहीं किया है, उससे उस पर कोई प्रेशर है या जबरदस्ती करवाई गई है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे ही अपराध के लिए उसका पहले भी कन्विक्शन हो चुका है जो हमने पढ़ा था, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा और उस बात को वहीं के वहीं खत्म कर देगा, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, और जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है ट्रायल का, उसको ही फॉलो करेगा। अगर वो वारंट केस है तो चैप्टर 19 के अनुसार, और अगर वो समन केस है तो चैप्टर 20 के अनुसार, अगर कोर्ट ऑफ सेशन का केस है तो चैप्टर 18 के अनुसार। तो अगर दो सिचुएशन बनी, या तो कोर्ट को लगा कि एप्लीकेशन जो है वो इनवॉलंटरीली फाइल की गई है, मतलब अपनी मर्जी से फाइल नहीं की गई है, या फिर उस व्यक्ति का पहले भी इस अपराध के अंदर कन्विक्शन हो चुका है, इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट आगे नहीं बढ़ता है प्ली बार्गेनिंग की सिचुएशन से, और उस बात को वहीं के वहीं दबा देता है और खत्म कर देता है, ठीक है, जिससे आगे कोई कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। तो हमने क्या सीखा 265A के अंदर? सीखा हमने कि हमको प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या चाहिए, कि वो जो अपराध है उसमें सजा 7 साल से कम की होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जहां पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे फर्क पड़ रहा हो, या वो अपराध महिला के खिलाफ हो या किसी बच्चे के खिलाफ जिसकी उम्र 14 साल से कम है, ठीक है। फिर हमने बी के अंदर पढ़ा कि एप्लीकेशन जो है एक्यूज व्यक्ति फाइल करता है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो ब्रीफ फैक्ट्स और सिनेरियो बताता है उस केस के बारे में, उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट नोटिस जारी करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज व्यक्ति को। जब ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सबसे पहले एक्यूज व्यक्ति का एग्जामिनेशन करता है ये पता लगाने के लिए कि वो उसने अपनी मर्जी से एप्लीकेशन फाइल की है या नहीं। ये जो एग्जामिनेशन है वो कैमरा में होता है और दूसरी पार्टी कभी भी वहां पे प्रेजेंट नहीं रह सकती उस समय पे, ठीक है।
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन उसने अपनी मर्जी से फाइल करी थी, फिर वो उन तीनों को समय दे देता है कि भाई आप लोग अपने बीच में चर्चा कर लो और अगली तारीख को फिक्स कर देता है। पर अगर कोर्ट को लगता है कि उसने अपनी मर्जी से फाइल नहीं करी एप्लीकेशन, या फिर उसका पहले भी ऐसे ही किसी अपराध के अंदर कन्विक्शन हो चुका है, तो फिर उस एप्लीकेशन को वो रद्द कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज वॉट वी नो सो फार, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग के बारे में। फिर कहानी आगे बढ़ती है 265C के अंदर। अब जितने भी सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा आगे, सी डी ई एफ जो भी आगे पढ़ाऊंगा, ये सारे इस सपोजिशन पे चल रहे हैं कि कोर्ट ने 265B के अंदर ये पाया है कि वो एप्लीकेशन वॉलंटेरिली फाइल की गई थी, और उस वो एक ऐसा केस था जिसमें उस व्यक्ति का कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं था, मतलब कोर्ट ने प्ली बार्गेनिंग के साथ आगे बढ़ने का ऑप्शन चूज किया है 265B के अंदर, और कोर्ट और तीनों पार्टीज को समय दिया था कि वो म्यूचुअली आपस में एक सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट पे भेजे। तो ये सारे आगे आने वाले सेक्शंस उसी सपोजिशन पे बेस्ड हैं, जिसमें पहला है 265C, ठीक है। तो कोर्ट ये प्रोसीजर फॉलो करता है जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट की। अगर केस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आया था, मतलब सेक्शन 190 के अंदर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसकी कॉग्निजेंस ली गई थी, तो ऐसी परिस्थिति में तो कोर्ट किस किस को बोलता है सेटलमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बातचीत में पार्टिसिपेट करने के लिए? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जिसने इन्वेस्टिगेट किया था केस को, उस एक्यूज्ड व्यक्ति को, और जो विक्टिम है उस केस में जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है, उन उस व्यक्ति को। तो टोटल 4 लोग होते हैं जो चर्चा में बैठते हैं, डिस्कशन में बैठते हैं उस म्यूचुअल सेटलमेंट पे रीच करने के लिए, अगर परिस्थिति कोई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आती है। तो पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई थी 173 के अंदर, तो ये सारे लोग पिक्चर में आते हैं और इन लोगों के बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, जब ये चर्चा चल रही होगी, कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एंश्योर करे कि किसी भी पार्टी पे किसी भी तरीके का कोई भी दबाव ना हो, और जो भी फैसला, जो भी एग्रीमेंट रीच करे कोई भी पार्टी, वो अपनी मन मर्जी से करे। तो मतलब ये जिम्मेदारी कोर्ट की है देखना कि ये जो प्रोसेस है ये पूरा फेयरली कंडक्ट किया जाए, कहीं से भी उसका फायदा ना उठाया जाए, ना ही एक्यूज के साइड से, ना ही प्रोसिक्यूशन के साइड से, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर एक्यूज व्यक्ति चाहे तो अपने साथ साथ अपने वकील को भी लेके आ सकता है, उसके थ्रू डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी आगे आप पढ़ोगे कि विक्टिम के पास भी ये राइट है, कंप्लेनेंट के पास भी ये राइट है कि वो भी अपना वकील लेके आ सकता है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा केस है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं आया था बल्कि कंप्लेंट के आधार पर आया था, ऐसी कोई सिचुएशन है जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं आई है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है चर्चा में? एक तो एक्यूज व्यक्ति करता है, और दूसरा करता है विक्टिम। विक्टिम वही होता है आमतौर पर जिसने कंप्लेन करी होती है, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ली गई है, तो वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो होगा ही नहीं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट होती है तब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो इन दोनों का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो अगर केवल कंप्लेंट केस है, एक कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ली गई थी, तो वहां पे केवल 2 लोग होते हैं जो डिस्कस करते हैं, एक्यूज्ड और विक्टिम। यहाँ पे प्रोसेस कंपैरेटिवली आसान हो जाता है बच्चे, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतने सेटलमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भी इन दो लोगों के बीच में भी जब चर्चा चल रही होती है, यहाँ पर भी कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो एंश्योर करे कि ना ही विक्टिम एक्यूज पे अंड्यू प्रेशर बना पाए, ना ही एक्यूज विक्टिम पे बना पाए। तो ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी यहाँ पे भी कंप्लेन वाली सिचुएशन में भी कोर्ट के ऊपर रहती है, और अगर विक्टिम चाहे तो अपने प्लीडर को लेके आ सकता है। देखो, हमने एक्यूज को तो प्लीडर लाने की पावर दे ही दी पहले, यहां पे विक्टिम को भी दे दी। तो कहने का मतलब है 265C एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हम उस म्यूचुअल सेटलमेंट के दौरान होने वाली
प्रक्रिया की बात करते हैं जिसके अंदर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है लॉ को, ऐसे केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं, ऐसे केसेस जो कंप्लेंट के आधार पर आए हैं। जो केसेस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आए हैं वहां पे हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, वहां पे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब हैं, वहां पे हमारा एक्यूज है और वहां पे हमारा कंप्लेनेंट ऑब्लिक विक्टिम है, ये सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है और एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के वकील भी हो सकते हैं। अगर कंप्लेनेंट के आधार पर आया है कोई भी केस तो एक्यूज्ड होता है और विक्टिम होता है, इन दो लोगों के बीच में चर्चा होती है और ये लोग अपने वकील भी लेके आ सकते हैं और इनके बीच में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। ये है बच्चे 265C। फिर आता है सेक्शन 265D। ये एक ऐसी स्थिति प्रीसपोज कर रहा है कि वो जो सेटलमेंट की प्रक्रिया हमने 265C के अंदर शुरू करी थी वो खत्म हो गई है, तो अब उसकी रिपोर्ट फाइल की जा रही है कोर्ट के सामने। अगर उस प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हुई हो चाहे वो कंप्लेन के आधार पर हुई हो, जो पूरा सेटलमेंट के बारे में चर्चा हो रही थी, अगर वो सक्सेसफुल हो गई है, मतलब सारी पार्टीज ने मिलकर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया है और वो एग्री हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा कोर्ट है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके अंदर वो लिखता है कि किन किन मुद्दों पे सेटलमेंट हो गया और क्या एग्रीमेंट किया है पार्टीज ने। जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उस पे सबसे पहले तो जज साहब अपने खुद साइन करते हैं और ये जो साइन करना है ये प्रूफ है इस बात का कि इस प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई भी बदमाशी नहीं हुई है, क्योंकि ये जिम्मेदारी थी कोर्ट की, इसलिए उनसे साइन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस पूरे प्रोसेस में, उन वो लोग भी हस्ताक्षर करते हैं। तो अगर वो चार लोग थे पुलिस रिपोर्ट वाली सिचुएशन थे तो वो चारों करते हैं, और अगर कंप्लेन केस था तो एक्यूज और विक्टिम करते हैं, ठीक है। और ऐसा जैसे ही ये हो जाता है, रिपोर्ट तैयार हो जाती है, हस्ताक्षर वगैरह हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग उस केस को डिस्पोज ऑफ करने में आगे बढ़ सकते हैं इस प्ली के आधार पर, ठीक है। पर अगर कहानी उल्टी हो गई कि बैठे, मीटिंग हुई, कार्रवाई हुई, बातचीत हुई, पर कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं मिल पाया, मतलब पार्टीज लड़ती रही, वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रहा था, एक्यूज रेडी नहीं था, एक्यूज को ज्यादा रेमिशन मांग रहा था, उसके लिए प्रोसिक्यूटर एग्री नहीं था, फॉर व्हाटएवर रीजन कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी सिचुएशन में तो कुछ बचता ही नहीं है कोई रिपोर्ट बनाने के लिए। तो सिंपल सी इस बात को जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है अपने रिकॉर्ड में लिख देता है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आई थी, फिर उसके लिए कॉमन ग्राउंड में पहुंचने की कोशिश हुई पर वो अनसक्सेसफुल हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्ली वाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वो कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए नॉर्मल ट्रायल चलाया जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे ये प्रक्रिया फेल हो जाती है तो वहां पे नॉर्मल ट्रायल चलाया जाता है, उस स्थिति के बाद प्ली बार्गेनिंग का कोई सिचुएशन नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है ये जो चैप्टर है 21A, यहां पे पहला एग्जिट डोर कहां पे है, पहला एग्जिट डोर है हमारा 265B के अंदर, जहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन अपनी मर्जी से फाइल नहीं की है या फिर उसका पहले कन्विक्शन हो सका है तो उसको प्ली की रीच से बाहर कर देता है, और दूसरा एग्जिट है 265D के अंदर जहां पे कोई भी कॉमन ग्राउंड रीच नहीं हो पाता है तो उसको प्ली की रीच से बाहर कर देता है और उसके बारे में नॉर्मल ट्रायल की प्रक्रिया को वो शुरू कर देता है। पर अगर अगर परिस्थिति सेक्शन 265D के अंदर सेटलमेंट की बनी है, जहां पे रिपोर्ट तैयार हुई है, पार्टीज के हस्ताक्षर हुए हैं, मतलब अगर कॉमन ग्राउंड पे रीच कर ली थी पार्टी, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस केस को डिस्पोज ऑफ करने पे आ जाता है, मतलब केस को खत्म करने पे आ जाता है। और कैसे खत्म करता है? उसी एग्रीमेंट के आधार पर। सबसे पहले अगर उस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी कंपेंसेशन देने की बात हुई है, जो होती ही है, कंपेंसेशन किसको? विक्टिम को, उसको जो भी नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले तो उस विक्टिम को वो कंपेंसेशन देने के बारे में वो ऑब्जर्वेशन को लिखता है अपने ऑर्डर के अंदर,
सबसे पहले कंपेंसेशन के बारे में, कितना एक्यूज को कंपेंसेशन देना होगा। इसके बाद वो पार्टीज को सुनता है, फिर से सुनता है बच्चे, यहां पे वो सुनता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में कि इस एक्यूज व्यक्ति को कितनी सजा दी जानी चाहिए। या फिर कोर्ट ये भी अपने सामने ऑप्शन रख सकता है कि इसे जेल भेजने के बदले हम लोग प्रोबेशन पे भी छोड़ सकते हैं सेक्शन 360 के अंदर, या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर छोड़ सकते हैं। मतलब जेल नहीं भेजना चाहते, प्रोबेशन। कई बार सेटलमेंट प्रैक्टिकली इसीलिए होता है, तो ऐसा भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट। पर बच्चे सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप नोटिस करो, ये जो सेटलमेंट हो रहा है ना सेक्शन 265 सी और डी के अंदर, इस सेटलमेंट की एक लिमिट है, बहुत ध्यान से देखना। इस सेटलमेंट में जो पार्टीज हैं वो आपस में ये तो डिसाइड कर सकती हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा, कंपेंसेशन कितना होगा, ये होगा वो होगा, ये सारी बातें। पर कभी भी पार्टीज आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड नहीं कर सकती कि किसी भी एक्यूज व्यक्ति को पनिशमेंट कितना मिलेगा, या फिर उसे प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा या नहीं। मतलब कोई भी एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी जा सकती कि विक्टिम को मैं 50 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले में मुझे प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा, नहीं नहीं। ये एग्रीमेंट हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर उस पॉइंट को प्रेस नहीं करेगा कोर्ट के अंदर, या किसी फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा, या किसी बात पर दबाव नहीं बनाएगा। पर कोई भी सेटलमेंट ये निर्धारित नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी तो कितनी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं। क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है ये पार्टीज की पावर में है ही नहीं, दिस इज डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की पावर है ना सजा देना या ना देना, देना तो कितनी देना, ये पावर पार्टीज को नहीं दी जा सकती प्ली बार्गेनिंग के नाम पर। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि किसी केस में प्ली बार्गेनिंग हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि विक्टिम को कंपेंसेशन मिल रहा है, फिर भी जो आखिरी कॉल है सजा देने का ना देने का, कितनी देने का, वो कोर्ट का ही रहता है। पार्टी केवल उसको राय दे सकती है, सजा कभी सेटलमेंट के हिसाब से नहीं मिलती। ये सारी चीजें रोल प्ले करेंगी। जैसा अभी सोचेंगे ये कंपेंसेशन पे कर दिया है तो चलो इसका गुड कंडक्ट है, इसे प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं, या फिर कोई ज्यादा सीरियस ऑफेंस है तो उसको कम पनिशमेंट कर देते हैं। पर मोटे तौर पर अभी इसमें भी इफ एंड बट लगेंगे, ये भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पर अभी जो बता रहा हूं उसको समझो। मोटे तौर पर पनिशमेंट के बारे में सेटलमेंट नहीं हो सकता, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि उसको पनिशमेंट देनी है तो कितनी देनी है, प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है, कंपेंसेशन उसी के हिसाब से होगी। अगर कोर्ट प्रोबेशन पे छोड़ना चाहता है सेक्शन 360 के अंदर, या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर, या किसी और कानून के अंदर, तो वहां पर कोर्ट उस एक्यूज व्यक्ति को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि उसमें तो छोड़ना ही है, प्रोबेशन पे आप छोड़ रहे हो, ठीक है, तो उसको रिलीज कर देगा। ज्यादातर बच्चे प्ली बार्गेनिंग की सिचुएशन में जहां पे ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं इन्वॉल्व होता है, देखो सीरियस हो सकता है क्योंकि 7 साल तक के पनिशमेंट वाले केस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो 7 साल तो बच्चे बहुत ज्यादा सजा होती है, उसमें काफी सीरियस ऑफेंसेस भी आ जाते हैं। तो अगर नॉर्मल सा अपराध है, सेटलमेंट भी हो गया है और कंपेंसेशन भी दे दिया, तो लगभग 80-90% केसेस में कोर्ट आपको प्रोबेशन पे छोड़ देता है, और इसी लालच में कोई भी एक्यूज जो है वो प्ली बार्गेनिंग की तरफ अपना रास्ता बढ़ाता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सेक्शन में नहीं लिखा। तो अगर वो फैसला लेता है कि प्रोबेशन पे छोड़ना है तो छोड़ देगा, पर अगर पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि जिस अपराध के लिए इस व्यक्ति पर केस चल रहा है वो एक ऐसा अपराध है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बचे, मिनिमम, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट परेशान हो जाता है। देखो बच्चे एक बात समझना, ये बहुत बड़ा क्लैश है। एक तरफ कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट के पास डिस्क्रीशन है कि
कि किसी एक्यूज को पनिशमेंट देना है या किसी एक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ना है, अगर प्रोबेशन की स्थिति बनती है। प्रोबेशन की भी स्थिति अनलिमिटेड नहीं है, कुछ ही पर्टिकुलर केसेस में होती है कि उसको पनिशमेंट देना है या प्रोबेशन पे छोड़ना है, कोर्ट की मर्जी होती है। बच्चे पहले तो इस बात को समझो, ये बात भी समझना बड़ा जरूरी है। एक चीज होती है एक्विटल, एक चीज होती है प्रोबेशन और एक चीज होती है पनिशमेंट। इन तीनों के बीच का आपस में फर्क समझो। पनिशमेंट नहीं, इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट एक्विटल में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और छोड़ने का रीजन क्या होता है कि उसे अपराधी नहीं पाया गया तो वो क्लीन चिट मिल गई उसको। प्रोबेशन के भी अंदर किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, पर यहां पे छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको क्लीन चिट मिल गई, उसको अपराधी पाया गया है। यहां पे उसको अपराधी नहीं पाया गया है, यहां पे भी छोड़ रहे हैं, यहां पे भी छोड़ रहे हैं, पर यहां पे उसको अपराधी नहीं पाया गया है, यहां पे उसको अपराधी पाया गया है फिर भी छोड़ रहे हैं। इंप्रिजनमेंट में तो छोड़ ही नहीं रहे और उसे अपराधी भी पाया गया है। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना एक्विटल वाले छोड़े जाने में और प्रोबेशन वाले छोड़े जाने में। प्रोबेशन के अंदर किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है, दैट मींस ही वॉज फाउंड टू बी गिल्टी, कि वो अपराधी पाया गया था। इट इज जस्ट कि किसी भी वजह से कोर्ट को सही नहीं लगा उसे जेल भेजना। तो यहां पर अगर कोर्ट प्रोबेशन का में भेजने का फैसला ले रहा है, दैट मींस ऑन दैट प्ली ही इज कन्विक्टिंग, द कोर्ट इज कन्विक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, भले ही उसे जेल नहीं भेज रहे, तो कन्विक्शन कहलाएगा, एक्विटल नहीं कहलाएगा। हाँ, ये कैटेगरी एक्विटल की है और ये दोनों कैटेगरी कन्विक्शन की है। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड कन्विक्शन, जहां पे किसी व्यक्ति को अपराधी पाया गया है। कन्विक्शन का मतलब सेंटेंस नहीं होता, हर कन्विक्शन में जेल नहीं जाते, कन्विक्शन में केवल फाइन भी लग सकता है, प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है और जेल भी जा सकते हो। तो कन्विक्शन इज ए ब्रॉडर टर्म। पर मानो एक ऐसे अपराध से, वैसे नॉर्मली तो कोर्ट के पास ही पावर है कि प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी भेज सकता है, और दोनों ही सिचुएशन में हम यही मानेंगे कि उसको अपराधी घोषित किया गया है, तो किसी भी अपराधी को कोर्ट इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है और प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है। पर मानो अगर कोई बच्चे ऐसा अपराध से सामना हो जाए जिसमें मिनिमम पनिशमेंट बताई हो, कई ऐसे सेक्शन है हमारे आईपीसी के अंदर। वैसे आमतौर पर क्या ऐसे कैसे सेक्शन लिखा होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर फलाना फलाना अपराध किया तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है, उस पे फाइन भी लगेगा, या फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों, ऐसा होता है। तो हमेशा मैक्सिमम बताते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, ऐसा अप टू 3 ईयर्स। पर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खासकर नए जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, जहां पे मिनिमम पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बोला जाता है कि मैक्सिमम तो इतना लगेगा ही लगेगा, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 6 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, बट देयर हैज टू बी अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 2 साल, 3 साल, जो भी है, कम से कम इतना पनिशमेंट देना ही होगा। मतलब वो ऐसे सेक्शन है कि अगर उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को उन सेक्शंस के अंदर अपराधी पाया गया है तो वहां पे कन्विक्शन होना जरूरी हो जाता है, इट इज मैंडेटरी टू कन्विक्ट दैट पर्सन। तो मिनिमम जब पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो कोर्ट के पास चॉइस नहीं रहती कि वो प्रोबेशन पे छोड़ दे, क्योंकि इंप्रिजनमेंट बच्चे मैंडेटरी होता है, जेल भेजना ही भेजना होता है। पर इसमें एक और चैलेंज है, अगर जेल भेजना ही भेजना है, कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है जिसमें जेल जाना जरूरी है, तो वहां पे कोई प्ली करेगा ही क्यों, प्ली बार्गेनिंग की तरफ जाएगा ही क्यों, क्योंकि उसके लिए मोटिवेशन क्या है, उसको जेल जाना ही है फिर तो। उसे पता है कि मेरे को 2 साल मिनिमम पनिशमेंट लिखा है तो 2 साल के लिए तो मुझे जाना ही है, तो क्यों करेगा प्ली बार्गेनिंग भाई। तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारे आईपीसी का प्ली बार्गेनिंग के परव्यू से बाहर चला जाएगा, ये तो कोई भी नहीं चाहता। पर एट दी साइंट सेम टाइम हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कानून कह रहा है कि मिनिमम पनिशमेंट देनी होगी और जज साहब अपनी मर्जी से उसको प्रोबेशन पे छोड़ दे रहे हैं क्योंकि प्ली बार्गेनिंग कर ली है उसने, ये तो कानून के खिलाफ जाने वाली बात हो जाएगी। तो दोनों जगह दिक्कत है,
इसलिए मिडिल ग्राउंड चुना गया है कि अगर कोई भी अपराध ऐसा है जिसके बारे में प्ली बार्गेनिंग की जा रही है, वो एक ऐसा अपराध है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, तो आपको जेल तो भेजना होगा, आप प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते, आपका ये ऑप्शन गया, जेल तो भेजना होगा, पर जितना मिनिमम प्रोवाइड किया गया है उतना पूरा मिनिमम भेजने की जरूरत नहीं है, उसका आधा भेज दो, हाफ भेज दो, दोनों की बात रख जाएगी, प्ली बार्गेनिंग की भी बात रख जाएगी और कानून की भी बात रख जाएगी। तो मानो अगर कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसमें लिखा है अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी पनिश्ड अप टू, मतलब मैक्सिमम जो है वो 7 इयर्स है और मानो मिनिमम है 3 इयर्स, ऐसा सेक्शन, तो ऐसे किसी अपराध के बारे में अगर कोई व्यक्ति प्ली रेस कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग के अंदर सेटलमेंट कर रहा है, तो उसको सजा इस मिनिमम की, बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम की नहीं, इस मिनिमम की आधी दी जा सकती है, 1.5 साल, मतलब 18 महीने तो उसे जेल में जाना ही पड़ेगा, पर फिर भी ये सफिशिएंट मोटिवेशन है यार, सजा आधी तो हो ही रही है, सजा आधी तो हो ही रही है मिनिमम से, राइट। सो ये इस तरीके से बैलेंस किया, पर ये तभी होगा जब मिनिमम पनिशमेंट की सिचुएशन होगी, बहुत कम सेक्शन है ऐसे, ठीक है। अगर पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस अपराध के बारे में आरोप है इस एक्यूज्ड व्यक्ति के, और वो आरोप जो अभी हमने क्लॉज बी और सी पढ़े उनके द्वारा कवर नहीं हो रहा है, वैसी परिस्थिति में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट ऑफ लॉ है उस व्यक्ति को 1/4, ध्यान से देखा, 1/4, 1/4 किसकी, ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकेगा, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, कौन सी सिचुएशन में अगर कोई स्थिति बी और सी में कवर नहीं हो रही, सी का तो मैंने अभी आपको बताया, देखो मिनिमम पनिशमेंट वाली सिचुएशन, बी का देख लो, यहां पे बी कौन सी सिचुएशन थी, जहां पे प्रोबेशन वाली परिस्थिति। तो अगर एक कोई मानो ऐसा केस आया जिसके बारे में प्ली हो रही है, वो एक ऐसा केस है जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहा है, मतलब उसमें प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता, ना ही वो सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी के अंदर कवर हो रहा है, जो जिसके अंदर प्रोबेशन की बात है, मतलब एक ऐसा केस है जिसमें प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता, तो मतलब चांसेस है ये एक सीरियस ऑफेंस है। साथ ही साथ ये एक ऐसा ऑफेंस भी नहीं है जिसमें मिनिमम पनिशमेंट दी गई हो, केवल मैक्सिमम दी गई है, देयर इज नो मिनिमम पनिशमेंट। तो एक ऐसा केस जिसमें ना ही प्रोबेशन पॉसिबल है और ना ही मिनिमम पनिशमेंट की स्थिति बन रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये डी पॉइंट पिक्चर में आएगा, और ऐसे किसी अपराध के बारे में जो भी उस अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया था, जैसे मानो अप टू 7 इयर्स लिखा था, बट देयर वाज नो मिनिमम पनिशमेंट, तो इस 7 इयर्स का, इस मैक्सिमम का 1/4, 1/4, आधा नहीं, मिनिमम का आधा करते हैं और मैक्सिमम का 1/4 करते हैं, तो ये 7 सालों का 1/4 करके जितना भी निकल के आएगा, 1.5-2 साल जो भी है, उतना आपको इम्प्रिजनमेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेशन में तो छोड़ नहीं सकते, जेल तो आपको जाना पड़ेगा, और मिनिमम दिया नहीं है तो मिनिमम का आधा कर देते, मैक्सिमम दिया है तो उस मैक्सिमम का 1/4, ठीक है। तो मोटे तौर पर जब भी प्ली ऑफ बार्गेनिंग की पोजीशन आती है, जब भी हम ये प्ली की सिचुएशन बनते हैं, तो 3 तरीके के केसेस बन सकते हैं बच्चे, मोटे तौर पर 3 तरीके की परिस्थिति बन सकती है प्ली के अंदर। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो जो सेक्शन है जिसके वो एक्यूज है उसके अंदर प्रोबेशन का ऑप्शन है, मतलब किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, प्रोबेशन का ऑप्शन है, और साथ के साथ इंप्रिजनमेंट तो हर ही केस में होता ही है ज्यादातर में। जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक ऐसा केस हो जिसमें प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है, इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, तो वहां पे कोर्ट चूज कर सकता है, वो प्रोबेशन पे भी छोड़ सकता है, इंप्रिजनमेंट में भी छोड़ सकता है, इंप्रिजनमेंट को भी भेज सकता है। पर मानो एक ऐसा केस है जिसमें मिनिमम इंप्रिजनमेंट दिया गया, और मिनिमम इंप्रिजनमेंट जब मैं लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि उसमें प्रोबेशन की परिस्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि प्रोबेशन की तो परिस्थिति बनेगी नहीं, प्रोबेशन का मतलब है छोड़ना और मिनिमम इंप्रिजनमेंट है पक्का जेल भेजना, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां पे मिनिमम इंप्रिजनमेंट दिया गया, प्रोबेशन नहीं दिया गया,
तो रूल क्या है, 1/2 ऑफ दिस मिनिमम इंप्रिजनमेंट, इस मिनिमम इंप्रिजनमेंट का आधा। और तीसरी और आखिरी परिस्थिति क्या बनती है, ना ही प्रोबेशन की सिचुएशन बन रही है, ना ही मिनिमम इंप्रिजनमेंट की परिस्थिति बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जेल जाना तो पक्का है, क्योंकि प्रोबेशन की परिस्थिति नहीं है, पर मिनिमम के सहारे हम आधा नहीं दे पा रहे, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट दिया ही नहीं गया, केवल मैक्सिमम पनिशमेंट है या कोई एक ही पनिशमेंट, देन इट इज 1/4 ऑफ दिस मैक्सिमम पनिशमेंट, 1/4 ऑफ दिस मैक्सिमम पनिशमेंट। तो ये तीन तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं जो कोर्ट परिस्थिति के हिसाब से चुनेगा कि उसे क्या। देखो यहां पे तो कोई चॉइस है ही नहीं, मिनिमम इंप्रिजनमेंट में आधा है, इसमें एक चौथा, ये चॉइस बेसिकली यहां पर है, जहां पे एक ऐसा केस है जिसमें प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है और इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। तो वहां पे एक रियल चॉइस है कोर्ट के पास कि वो प्रोबेशन पे छोड़े या फिर इंप्रिजनमेंट दे। और मेजोरिटी ऑफ जो केसेस होते हैं, जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द केसेस होते हैं, वो यहीं पे कवर होते हैं। ये ज्यादातर बच्चे नॉन सीरियस वाली परिस्थिति होती है, नॉन सीरियस वाली परिस्थिति, ये दोनों कंपैरेटिवली सीरियस होते हैं, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट दिया जा रहा है, दैट मींस इट इज सीरियस। यहां पे भी प्रोबेशन के अंदर नहीं डाला जा रहा है, दैट मींस इट इज सीरियस। तो नॉन सीरियस में रियल चॉइस है। तो नॉन सीरियस में अगर किसी को प्रोबेशन पे छोड़ भी रहे हो बिकॉज ऑफ प्ली, तो उसमें इतनी परेशानी नहीं, यहां पे उसको बस कंपैरेटिवली रिलीफ दे रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, आधा भेज रहे हैं, यहां पे एक चौथा ही भेज रहे हैं। तो ये फायदे होते हैं बच्चे किसी भी एक्यूज व्यक्ति के लिए प्ली बार्गेन करने के लिए। अब जो अगला है एफ, ये सिंपली जजमेंट की बात करता है कि जो भी फैसला लेगा इनमें से किसी भी परिस्थिति के अनुसार कोर्ट ऑफ लॉ उसके हिसाब से जजमेंट को डिलीवर कर देगा। ओपन कोर्ट में जजमेंट होगी जैसी नॉर्मली होती है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उसको साइन करेंगे, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस एफ के अंदर आप जजमेंट के अंदर बात कर देना। पर इंपॉर्टेंट है बच्चे जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये जो जजमेंट आप देंगे ना एफ के अंदर वो फाइनल होती है। कोई भी जजमेंट जो किसी प्ली बार्गेनिंग के आधार पर दी गई है, उस जजमेंट के खिलाफ कभी भी कोई भी अपील फाइल नहीं की जा सकती। नॉर्मल जैसे केसेस में आप अपील में जा सकते हो ना हायर कोर्ट के पास, याद है, भूल गए, याद है ना, थोड़ा बहुत अपील में जाते थे। तो प्ली बार्गेन की परिस्थिति में देयर इज नो राइट टू अपील। बस दो ऑप्शंस होते हैं ऐसी किसी भी प्ली बार्गेनिंग के बेस्ड जजमेंट के खिलाफ, या तो आप आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करो, या फिर रिट पेटिशन फाइल करो। रिट पेटिशन में यहां पे 32 नहीं लिखा है, बट 32 आप इंक्लूड कर सकते हो। 32 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन आर्टिकल 136 में कवर हो गई है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 136 के अंदर और हाई कोर्ट की 226 और 27 के अंदर। पर मोटे तौर पर समझो कि ऐसी सिचुएशन में या तो स्पेशल लीव पेटिशन फाइल हो सकती है या फिर रिट पेटिशन फाइल हो सकती है। और दोनों जगह क्या चैलेंज करोगे, कोर्ट का डिस्क्रिशन कि कोर्ट को यह चुनना चाहिए था, ये नहीं 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 द ओनली ग्राउंड दैट यू कैन टेक अगेंस्ट सच अ ऑर्डर, सच अ जजमेंट इज दैट 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 सेटलमेंट जिसके बेसिस पे ये दिया गया डिसीजन वॉज नॉट वॉलंटरी। मतलब जो कोर्ट की जिम्मेदारी थी ये इंश्योर करना कि वो वॉलंटरी होना चाहिए, जिसको एप्लीकेशन में भी लिखना था, जिसके बारे में एग्जामिनेशन भी होना था, उसके बारे में बस आप बोल सकते हो कि कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया, इसलिए वो जो हमारा सेटलमेंट था वो खराब था, इसलिए जजमेंट जो सेटलमेंट के आधार पर दी गई है वो गलत है। आप कभी भी किसी चीज पे सेटल करके फिर चैलेंज नहीं कर सकते या कोर्ट के डिस्क्रिशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोर्ट अगर अपना डिस्क्रिशन इन विद इन लिमिट्स एक्सरसाइज कर रहा है एज पर दिस सिनेरियो, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इतना तो डिस्क्रिशन आपको कोर्ट ऑफ लॉ को बच्चे देना ही पड़ेगा। तो जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है, फाइनल इसलिए होती है क्योंकि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, आम केवल परिस्थिति एसएलपी या रिट पिटीशन की होती है, और उसमें भी जो ग्राउंड ले सकते हो जो मैंने बताया आपको बड़ा लिमिटेड होता है। हमारा जो सेक्शन 265H है ये कोर्ट की प्ली बार्गेनिंग के बारे में पावर की बात करता है, बड़ा जनरल सा सेक्शन है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कोर्ट जब प्ली बार्गेनिंग के आधार पर भी कार्यवाही को चला रहा होता है तो उसके पास वो सारी पावर्स रहती हैं जो किसी भी आम केस के अंदर होती हैं, जैसे बेल देने की, ट्रायल चलाने की,
या किसी भी केस को डिस्पोज करने की। तो केवल इस वजह से कि किसी भी केस की सुनवाई कोर्ट प्ली के आधार पर कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर्स छिन गए। जो जनरल पावर्स किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के पास होती हैं, वो उसके पास बनी रहती हैं। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, अगर आप स्किप भी करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर आता है सेक्शन 265 आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे जनरल है, ये स्पेसिफिक नहीं है, सब सब केसेस में होता है। ये बात करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन की, जो पहले से कोई व्यक्ति जेल के पीछे काट चुका है। अब बच्चे किसी व्यक्ति को आप जेल भेज रहे हो, मानो यहां पे भेज रहे हो जेल, या फिर यहां पे भेज रहे हो आधा, या फिर यहां पे भेज रहे हो एक चौथाई, तो ये जो ड्यूरेशन है इंप्रिजनमेंट की, जिसके लिए आप किसी को पनिश कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में आपको काउंट करना पड़ता है वो पीरियड जो कोई व्यक्ति पहले से ही जेल के अंदर गुजार चुका है एज ए अंडर ट्रायल। अगर किसी व्यक्ति को पहले ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था केस के चलते ही चलते, और उसे बेल पे नहीं छोड़ा गया था, और मानो उसने ऐसे करके जेल के पीछे पहले से ही एक साल गुजार दिया या 6 महीने गुजार दिए, तो इस पीरियड को डिडक्ट करना पड़ता है उस टोटल पीरियड में से जितने की सजा हुई है। तो मानो मिनिमम इंप्रिजनमेंट था किसी भी केस के अंदर 2 साल का, तो आपने 1 साल की सजा दी, इसके अंदर 1 साल की उसको सजा दी, तो उस 1 साल में से ये 6 महीने आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे जो पहले से जेल के पीछे गुजार चुका है। ये बच्चे नॉर्मल केसेस में भी होता है, नॉर्मल केसेस में भी जब किसी व्यक्ति को इंप्रिजनमेंट दी जाती है तो जिस पीरियड के लिए इंप्रिजनमेंट दी जाती है ना, उसमें से वो पीरियड डिडक्ट होता है जो उसने एज ए अंडर ट्रायल पहले ही जेल में काट दिया होता है। ठीक है, फिर आता है बच्चे हमारा 265J, ये बच्चे हमारा सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या है कि ये जो प्रावधान हमने पढ़े, देखो मैंने आपको बताया बच्चे ये सब अमेंडमेंट के थ्रू आया है, ओरिजिनली तो था नहीं, और इसमें कई बातें हैं जो थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सरप्राइजिंग है कि भाई नया कॉन्सेप्ट है कि हम समझौते की बात कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, इसलिए इस सेक्शन को डाला गया है। इसमें बोला गया है कि ये जो सेक्शंस के अंदर हमने प्रावधान बनाए हैं ये चलते रहेंगे इसी तरीके से, इस बात के बावजूद कि ये हो सकता है कि हमारे सीआरपीसी के किसी और सेक्शंस को या किसी और पार्ट को क्वेश्चन करें या उनके कंफ्लिक्ट में आए। तो कहने का मतलब है डिस्पाइट ऑफ एनी कंफ्लिक्ट जो सीआरपीसी के बाकी के सेक्शंस के साथ हो सकता है इस चैप्टर का, वो ये चैप्टर फिर भी बना रहेगा, उस आधार पर इसको खत्म नहीं किया जाएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बस बोला गया, बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है कि जो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहे थे ना 265C के अंदर, डी के अंदर की पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्टिसिपेट कर रहा था इनटू द मीटिंग्स, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में इंक्लूड होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बल्कि बच्चे जो लोअर मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्लास के, सेकेंड क्लास के, कई बार CGM के, वहां पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ही मोस्टली काम करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आमतौर पर आपको सीनियर कोर्ट्स में देखने को मिलेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो काम करते हैं जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करने की बोली गई है किसी भी स्थिति में, ठीक है। और अगला है, अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज सेक्शन 265K। ये बड़ा सिंपल सा सेक्शन है पर इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है बच्चे, अब देखो कोई भी व्यक्ति जब प्ली रेस कर रहा है अपनी, तो उस प्ली के अंदर वो कुछ तो ऐसा लिखेगा, कुछ तो ऐसा बोलेगा, समझौता करेगा, जहां पर वो कहीं ना कहीं अपने गुनाह को मानेगा, तो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट बोलेगा अपने ही खिलाफ, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट बोलेगा। तो ये जो 265K है ये उन्हीं स्टेटमेंट्स की बात करता है, कहता है कोई भी स्टेटमेंट्स जो किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा बोली गई है इस प्ली के अंदर, इस प्रोसेस के दौरान, उस एप्लीकेशन के अंदर, उस प्ली को, उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कभी भी किसी और काम के लिए, केवल प्ली तक ही उसका इस्तेमाल सीमित रहेगा। कभी किसी और केस में एविडेंस के तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि फलानी समय पर इसने अपने गुनाह को माना था। तो कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट्स देते हो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर उस प्रोसेस के दौरान, दे आर ऑल प्रोटेक्टेड। तो कोई कई बार ऐसा हो सकता है अगर हम ऐसा ना करें तो एक्यूज व्यक्ति इस बात से भी घबराते हैं कि अगर मैंने अपने मानो अपना गुनाह स्वीकार कर लिया तो कल को मेरे खिलाफ और भी लीगल कार्रवाइयां शुरू हो सकती हैं, फॉर दैट रीजन वो और नहीं करते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें बोलने के लिए कि आप जो भी कुछ बोलोगे आप उसका इस्तेमाल केवल इसी केस के लिए होगा, इसी प्ली के लिए होगा, तो ये उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है और वो प्ली रेस करने के ज्यादा चांसेस
बनते हैं। और सबसे आखिरी सेक्शन है एल, और ये तो बिल्कुल ही मतलब इसका तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, बस एक सिंपल सी बात है कि ये जो हमने प्ली बार्गेनिंग का पूरा चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर नंबर 21, ये लागू नहीं होता है उन सब्जेक्ट मैटर्स पे, मतलब बच्चों पर जो जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। क्यों जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो लोग कवर हो रहे हैं उन पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जुविनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इसी तरीके का प्रोसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया गया है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो पहले से ही बच्चे थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमने हल्का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपराधों के मामले में, तो कंफ्लिक्ट ना हो इस प्ली बार्गेनिंग में जो नॉर्मल लोगों के लिए है और जुविनाइल जस्टिस एक्ट में। दैट इज द रीजन कि इसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है जुविनाइल जस्टिस एक्ट से, और वहां पे प्ली बार्गेनिंग की परिस्थिति लागू नहीं होती है। अब इसी के साथ बच्चे हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म, पर हमारा काम खत्म नहीं होता। अब आप सभी लोग अगर आपके सामने स्टैट्यूट है तो उसको एक मिनट के लिए उठा लो, और मैं बारी बारी से आपको रिवाइज कराने वाला हूं ए टू एल, बारी बारी से ऊपर ऊपर से करेंगे कंटेंट को देख। तो जल्दी से अपने उसका स्टैट्यूट का कंटेंट पेज खोल लो और निकालो चैप्टर नंबर 21, साथ के साथ रिवाइज करेंगे। आप अपनी तरफ उसको धीरे धीरे बोलना, सुनाई देना चाहिए कान के अंदर, ठीक है? एक ओवरव्यू दूंगा आपको स्टोरी का, इसको बड़ा ध्यान से सुनना, यहीं पे दिमाग में चुपका लो, स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? खोलो चैप्टर 21, खोलो प्ली बार्गेनिंग पहला सेक्शन 265A, ये एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर की बात करता है। जो इम्प्रिजनमेंट है उस अपराध में अप टू 7 ईयर्स होना चाहिए, कोई भी ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट डाले कंट्री के ऊपर, वुमेन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बच्चे के खिलाफ नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 14 साल से कम। 265B जो एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग की बात करता है, एप्लीकेशन हमेशा एक्यूज्ड फाइल करता है और उस एप्लीकेशन के अंदर ब्रीफ डिटेल्स देता है केस के बारे में, और ये भी लिखता है कि वो जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो वॉलंटरीली कर रहा है। 265C जो गाइडलाइंस की बात करता है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो जो क्या नाम है जो एप्लीकेशन आई है वो वॉलंटरीली फाइल की गई है, तो वो उन तीनों विक्टिम के लिए, मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो एक्यूज है, उनके खिलाफ नोटिस जारी करता है, उनको एक ही डेट बुलाता है, उनको एक ही डेट पर बुला के सबसे पहले एक्यूज व्यक्ति का एग्जामिनेशन करता है जस्ट टू एंश्योर कि उसने जो भी कुछ किया है वॉलंटरीली किया है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है फिर ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर उनको मौका देता है कि वो आपस में बैठ के समझौता कर सकें, ठीक है? यहां पे बात आती है 265C की। फिर हम बढ़ते हैं 265D के अंदर, रिपोर्ट की बात। 265D के अंदर दो सिनेरियो बनते हैं, अगर ये जो बातचीत हुई 265C के अंदर अगर वो सक्सेसफुल होती है और एक कॉमन ग्राउंड पे पार्टीज पहुंच पाती हैं, तो उस म्यूचुअल सेटलमेंट के आधार पर कोर्ट आगे बढ़ेगा प्री बार्गेनिंग के साथ। पर फॉर सम रीजन अगर वो म्यूचुअल सेटलमेंट की स्थिति पे नहीं पहुंच पाते हैं तो वहीं पे इस एप्लीकेशन को खत्म कर देगा और नॉर्मल ट्रायल चलाना शुरू कर देगा। 265E डिस्पोजल ऑफ द केस, यहां पर एक ऐसी सिचुएशन का प्रीसपोज कर रहे हैं जहां पे म्यूचुअल सेटलमेंट पे पार्टीज पहुंच गई हैं। अब उस म्यूचुअल सेटलमेंट के अनुसार कोर्ट जो है उस केस को डिस्पोज ऑफ करता है। जहां तक बात कंपेंसेशन की रही, कंपेंसेशन उसी आधार पर दिया जाता है जो म्यूचुअल सेटलमेंट है, पर जहां तक रही बात पनिशमेंट की, पनिशमेंट के बारे में कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की केस किस कैटेगरी में गिर रहा है उसके हिसाब से कोर्ट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता है। अगर केस ऐसा है जिसमें प्रोबेशन भी दी जा सकती है, इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, तो कोर्ट चूज करेगा कि उसे क्या करना है। अगर केस ऐसा है जिसमें प्रोबेशन पॉसिबल नहीं है और मिनिमम इंप्रिजनमेंट दी गई है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट का आधा देना है। अगर केस ऐसा है जिसमें प्रोबेशन भी नहीं है, मिनिमम इंप्रिजनमेंट भी नहीं है, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका एक चौथाई देना है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन सेक्शन 265E के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सेक्शन 265F के अंदर जैसे भी आपने डिस्पोज ऑफ किया केस को, उसको जजमेंट के फॉर्म में आप लिखते हो विद द स्टेटेड फैक्ट्स, सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट है 265G, ये जो जजमेंट दी आपने एफ के अंदर वो फाइनल है। फाइनल इसलिए है क्योंकि उसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल की जा सकती, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आई है। उसके खिलाफ केवल स्पेशल लीव पेटिशंस या फिर रिट पेटिशंस फाइल की जा सकेंगी, केवल इस ग्राउंड पर कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो वॉलंटरी नहीं थी, आप पे किसी भी तरीके का दबाव था या फिर कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। 265H ये
कोर्ट की पावर की बात करता है प्ली बार्गेनिंग के बारे में, सिंपली बोलता है जो आम तौर पर किसी भी कोर्ट के पास पावर रहती है जब वो आम केस में ट्रायल चलाता है, वो सारी पावर प्ली बार्गेनिंग की स्थिति में भी रहती है, जैसे बेल छोड़ने की, बेल पे छोड़ने की, ट्रायल चलाने की, वो सारी जो नॉर्मल पावर्स होती है वो रहती है, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। सेक्शन 265 आई, ये पीरियड ऑफ डिटेंशन की बात करता है। ये कहता है कि अगर जो भी इंप्रिजनमेंट के लिए भेजा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को डिस्पोजल के टाइम पे, उसमें से उस पीरियड को डिटेक्ट करना होता है अगर जितना पीरियड वो व्यक्ति पहले से ही एज ए अंडर ट्रायल जेल के अंदर काट चुका है। 265J सेविंग क्लॉज, ये कहता है कि अगर हमारा ये जो चैप्टर है इसका कोई भी प्रावधान क्लैश करता है सीआरपीसी के किसी भी प्रावधान से, उस पर हमारे उसकी वजह से इस चैप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये चैप्टर वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। 265K स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज, जो भी बातें एक्यूज कहता है अपनी प्ली के अंदर उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी पर्पज के लिए इस प्ली के अलावा, इस केस के डिस्पोजल के अलावा। 265L नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो भी लिखी गई है वो जुविनाइल जस्टिस एक्ट के सिनेरियोस में लागू नहीं होती हैं। दैट्स इट। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो, द एंटायर कॉन्सेप्ट, द एंटायर लॉजिक ऑफ प्ली बार्गेनिंग। मुझे आप सभी लोग फटाफट से बताओ, क्या आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं, चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ में आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर में लिख लोगे? जल्दी से बताओ, एक एक बच्चा चैट बॉक्स में फटाफट से, बच्चे क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं, अगर है तो पूछ लो, वी हैव गॉट द टाइम, कोई परेशानी नहीं है। कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, लिख लोगे? चल ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, आप सभी लोगों से मैं कल मिलूंगा 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे। कल 5 बजे बच्चे हमारा कॉन्ट्रैक्ट की ही क्लास है और केस लॉ की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और कल बच्चे हमारा आखिरी सेशन होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर, तो जरूर आइएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को साथ में अलविदा कहेंगे, और आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, आराम करिए, गुड नाइट करिए, अगर टाइम मिले तो रिवाइज करिए, और कम से कम जो हमने आज पढ़ा है चैप्टर 21 एंड 21A उसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है? चल थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।